नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताता और ना ही वह जानता है। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी दो दिन पहले की कथा में एक कथा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको दीपावली या फिर धनतेरस की रात्रि यह उपाय जरूर कर लीजिए। और यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी परेशानियां, दिक्कत खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि के द्वार खुल जाती है। और चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी, आपके जो भी धनतेरस की इस वीडियो को जो भी लायक करी और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। जय मां लक्ष्मी भक्ति। चलिए आप सभी को हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे पेड़ पौधे बताएंगे जिन्हें दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन आप कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपको पलट करके हजारों गुना, करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी की आप पर असीम कृपा होगी, भगवान धनवंतरी की आप पर असीम कृपा होगी, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन से हिस्से का, किस हिस्से का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन सा उपाय किस प्रकार से किया जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि जब लगे मेहनत के बाद भी किस्मत नहीं दे रही साथ, फौरन इस पौधे से करें 5 ज्योतिष उपाय, समस्याओं की हो जाएगी छुट्टी। सनातन धर्म में तमाम पेड़ पौधों को पवित्र और पूज्यनीय माना गया है, इसलिए ज्यादातर घरों में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी, चिड़चिटा और अपराजिता जैसे पवित्र पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन सभी पौधों में औषधीय और दैवीय दोनों तरह के गुण मौजूद हैं। अगर बात चिड़चिटा की करें तो इसको जिक्र वास्तु शास्त्र में भी किया गया है। इस छोटे से पौधे में व्यक्ति की किस्मत चमकाने की क्षमता मानी जाती है और दीपावली पर इसकी शक्तियां बहुत अधिक जागृत हो जाती हैं। इसलिए दीपावली पर, धनतेरस पर कोई भी उपाय किया जाए, किसी भी प्रकार का उपाय किया जाए, उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है, धन दौलत प्राप्त होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि चिड़चिटा को अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह कहीं भी जंगल झाड़ी में हल्की सी नमी मिलते ही उग जाता है। माना जाता है कि यदि इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यह व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। इस पौधे से व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। अब सवाल है कि किस्मत चमकाने के लिए आखिर क्या है चिड़चिटा के उपाय और किस प्रकार करना चाहिए, दीपावली के दिन उपायों को धनतेरस के दिन किस तरह से करना चाहिए, हर कोई व्यक्ति का बस यही सवाल होता है। आज हम आपको सभी सवालों के आपके जवाब बताएंगे और इससे चमत्कारिक मां चमत्कारी उपाय भी बताइए जिसे करंट लिए लेने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, भाग्य में नई नई सफलताएं मिलने लगती हैं, व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि घर में लगाएं, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल जाता है। भक्तों, एक उपाय और होता है इसका कि दातुन करें। लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन करने से वाक सिद्ध की प्राप्ति संभव हो सकती है। वाक सिद्ध का मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। इसके अलावा चिड़चिटा की जड़ का अगहन माह की पूर्णिमा को प्रातः काल में
पंचोपचार, पूजन और मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। इससे बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। जड़ घिसकर तिलक लगाएं। अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। भक्तों और पंचोपचार से पूजन। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ेच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे एक वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। तिजोरी में रखें। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त यानी कि दीपावली, धनतेरस की जैसी मौके पर कोई भी उपाय किया जाए उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। चलिए अब हम आपको दीपावली या फिर धनतेरस, कोई भी रात्रि आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। भक्तों, अब हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं उसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने की गलती भी मत करना। भक्तों, इस उपाय को किस प्रकार से किया जाना है, किस समय पर किया जाना है, इसके बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस उपाय को आपको सुबह के समय 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इस उपाय को आपको करना है। उपाय किस प्रकार से करना है तो आपको हम बता दें कि आपके घर के आसपास कहीं भी लटजीरा यानी कि अपामार्ग का पौधा लगा होगा, वहां पर आपको सबसे पहले चले जाना है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले आपको इधर उधर देखना है, यानी कि आपको जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको उपाय को आपको करते हुए कोई देख तो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपसे अपने घर से एक पानी का लोटा यानी कि जल भर के ले जाना है और जहां पर भी अपामार्ग का पेड़ खड़ा हो वहां पर आपको चले जाना है, यानी कि लटजीरा के पेड़ के पास आपको चले जाना है। और वहां जाने के बाद आप उसे पर जो घर से पानी लेकर आए हैं उसके पत्तियों पर डाल दीजिए और उसकी टहनियों पर भी डाल दीजिए और उसके जो तन होता है वहां पर आप पूरा पानी को समर्पित कर दीजिए। और आपकी जो भी कोई मनोकामना है, इच्छा है, धन प्राप्ति की मनोकामना है, संतान प्राप्ति की मनोकामना है, कोई भी मनोकामना हो आप उसे पेड़ को अपनी मनोकामना बखूबी पूरी की पूरी बता दीजिए और आपको क्या चाहिए वह भी बता दीजिए। आपको धन चाहिए, धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, कोई भी आपको लाभ चाहिए तो आप अपामार्ग के पेड़ के सामने यह सभी बता दीजिए। और फिर बताने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से एक टहनी आप तोड़ने से पहले आपको एक बात अवश्य ही ध्यान रखती है कि टहनी तोड़ते समय आपको उसे पेड़ से सीधे ही बात करनी है कि मैं आपको अपने घर पर इस कार्य से ले जा रहा हूं, धन प्राप्ति से ले जा रहा हूं, पुत्र प्राप्ति के लिए ले जा रहा हूं। इसको आपको बताते हुए वहां से आपको एक छोटी सी उसकी डाली तोड़ लेनी है और आप अपने साथ जो गंगा जल का लोटा लेकर आए हैं उसे लोट के अंदर इसे डाल लीजिए, यानी कि लोटे की आपको अंदर रख लेनी है। और इसे अंदर रखने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। दीपावली की रात्रि जी टाइम पर दीपावली की पूजा होती है, उसे टाइम पर ही आपको उसे अपामार्ग के पेड़ की जो आप डाली तोड़ कर ले हैं उसे पूजा में जरूर शामिल करना है। और आपकी हर मनोकामना है, हर इच्छा है, वह विस्तार रूप से आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे लाभ ही लाभ होता है। हमने अगली साल भी इसी उपाय को बताया था और लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने उसे उपाय को किया था और उसे उपाय से व्यक्तियों को लाभ ही लाभ हुआ था। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आपको उसे उपाय को जरूर करना है, जिस तरह से हमने बताया है बिल्कुल की इस तरह से करना है। चलिए, आप अगर इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं,
हम आपको और भी ऐसे ही चमत्कारी और पेड़ पौधों के उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पेड़ का उपाय कठिन लग रहा है, नहीं कर सकते हैं, तो आप इन पेड़ पौधों के उपाय भी जरूर कर लीजिए। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो, माताएं बहनों, आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए और भी हम आपको वह चमत्कारी पेड़ पौधों के किस प्रकार से, कौन से हिस्से का आपको किस प्रकार से उपाय करना है, वह भी हम आपको बता देते हैं। चलिए भक्तों, अब अगली पेड़ का अगला उपाय जान लेते हैं, किस प्रकार से करना है दीपावली की रात, कौन से उपाय को किस प्रकार से करना है, धन प्राप्ति हो सकती है, कितनी अधिक धन प्राप्ति होती है, कौन सी उपाय से होती है, सब कुछ हम आपको बताएंगे अगले पेड़ की के बारे में भी। इन्हीं वृक्षों में से एक गूलर का वृक्ष है। इस वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जलाकर रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। दरअसल शुक्र को धन और विलासिता का ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है वहां धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती, लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है वहां गरीबी और कंगाली छाती है। तो चलिए आज जानते हैं गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ लाभकारी उपाय जो आपको धनवान बनाने के साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करते हुए AUM शम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है। सुख समृद्धि के लिए उपाय, यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाएं और फिर रोजाना उसमें पानी दें। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। प्रेम विवाह और भूमि संपत्ति के लिए ज्योतिष के अनुसार यदि प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आएं और गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहन लें। बुरी नजर से बचने के लिए उपाय, यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि भवन खरीदने की इच्छा है लेकिन काम बन नहीं पा रहा है तो गूलर की जड़ी यह चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। गूलर के ताबीज को रोग निवारक माना गया है, साथ ही इसे धारण करने से बुरी नजर दूर रहती है। चलिए अब हम आपको इसका एक और महाचमत्कारी उपाय और बता देते हैं जो कि आपको दीपावली के समय, धनतेरस के समय, किसी भी दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिए, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। उपाय को आपको किस पर किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, तो आपको आपके घर के आसपास अगर गूलर का वृक्ष खड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं खड़ा है तो आप जहां पर खड़ा हो वहां से आप दो गूलर के फल तोड़ लेकर लिए अपने घर पर ही तोड़ लाएं और उसके साथ में दो पत्ते भी तोड़कर लाएं और धनतेरस की बिना या फिर दीपावली के दिन जिस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसे दिन आप माता लक्ष्मी की पूरी हृदय से पूजा पाठ करें और जो आपने गूलर के फल लेकर आए हैं उनकी भी पूजा करें। और उनकी पूजा करने के बाद आपको आगे क्या करना है कि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, आप गूलर के पेड़ के जो पट्टी लेकर आए हैं उन पर आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए, जैसे कि पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, धन प्राप्ति की मनोकामना है, आपकी कोई भी मनोकामना है उन पत्तों पर आप लिख दीजिए। और पत्तों पर लिखने के बाद अगले दिन दीपावली के दिन हो सकता है, धनतेरस के दिन हो सकता है, यानी कि अगले दिन आपको उन दोनों पत्तों पर अपनी दो मनोकामनाएं लिख देना है और दोनों को ही किसी बहती हुई नदी में आपको विसर्जन कर देना है, यानी कि अपनी मनोकामना बोलते हुए, जय मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए अपनी हर एक मनोकामना आपको बोल देना है और विसर्जन कर देना आपने इतना करणी मंत्र से ही।
आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, चलिए अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। भक्तों को महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, क्रासुला को शुक्र ग्रह जो कि धन का योग बनाता है उससे जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि कुबेर देवता को यह पौधा काफी पंसद है और इसलिए इस पौधे को लगाने से घर में कुबेर देवता की कृपा आती है। इसके अलावा ये कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन लाभ में मदद करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप इसे सही दिशा में लगाएं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुबेर का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस पौधे को लगाने से जुड़ी कुछ खास बातें। क्रासुला का पौधा कहां लगाना चाहिए? धन लाभ के लिए उत्तर दिशा में लगाएं। अगर आपको लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या घर में पैसे की कमी बनी रहती है तो आपको इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाते समय ध्यान रखें कि ये अंधेरे में ना रहे और इसकी पत्तियां हमेशा साफ रहें। नौकरी में प्रमोशन के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। क्या आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो इस पौधे को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, या फिर आप इस पौधे को ऑफिस में अपने डेस्क पर भी रख सकते हैं। ये आपके लिए प्रमोशन का योग बनाएगा। बिजनेस में कैश काउंटर के ऊपर रखें ये पौधा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस पौधे को कैश काउंटर के ऊपर रखना चाहिए। इससे कुबेर देवता का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा ये आपके बिजनेस को बढ़ाने और प्रॉफिट की ओर ले जाने में मदद करेगा। समृद्धि के लिए इसे घर की बालकनी और छत पर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि बनी रहे तो आप इस पौधे को घर की बालकनी और छत पर रख सकते हैं। दरअसल जितना ज्यादा ये पौधा खुशहाल रहता है, यानी कि लगातार इसे धूप मिलती रहती है, उतनी ही आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। दिवाली का पर्व एक ऐसा समय होता है जब अंधकार से निकल के प्रकाश का स्वरूप जीवन को जगमगाता है। कार्तिक मास की ये अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस रात्रि के समय पर संपूर्ण सृष्टि में एक शक्तिशाली क्रिया का वास होता है जो हम सभी पर प्रभाव डालने वाली होती है। यह दिवस हर प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकार भरी अमावस्या में प्रकाश का उत्सव ही इसकी महत्ता को दर्शाने वाला है। ये समय विभिन्न प्रकार के तंत्र एवं मंत्र से संबंधित धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तामसिक, राजसिक एवं सात्विकता के चरम आयाम का समय होता है। इस समय पर प्रकृति और उसमें मौजूद शक्ति का संगम अद्भुत रूप से देखने को मिलता है। दीपावली के समय पर कई प्रकार के उपायों एवं टोटकों को किए जाने के विषय में बताया जाता है, जिसका मुख्य कारण इस दिवस की रात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस तारी पर ही अनेकों प्रकार के तांत्रिक कर्म भी संपन्न होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए भी इस रात्रि का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस दीपावली के समय पर हम किस प्रकार के कार्यों को करके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें ये उपाय। दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ DDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोज पत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रौं श्रीं श्रीयै नम ममा लक्ष्मीं नाशय नाशय मामृणो तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय्य वर्धय स्वाहा इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के
इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्ध के लिए दीपावली के दिन प्रातकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं, एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन सात प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन सात कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन, यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र, सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्ध एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय, शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और सात बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है।